प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विद एमआर गोर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 इतिहास की छोटे छोटे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट है, इसके उत्तर आपको बताने हैं। उसके बाद में मैं शाम को इनकी सभी के उत्तर आपको बताऊं। तो सबसे पहला है इसमें प्रश्न, तो अपन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसमें आपको पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरी जो प्रश्न है उसके बारे में अपन देखते हैं, तो दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों का निर्माण किन से होता था। प्रश्न दो, सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों का निर्माण किन से होता था। प्रश्न तीन, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्रम क्या था, समय आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न चार, सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये प्रश्न चार है। प्रश्न पाँच है, सिंधु सभ्यता में दोरी फसल का संकेत कहाँ से मिला है। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या पाँच हो गए, उसके बाद में छह, किस ग्रंथ में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। प्रश्न सात, किस ग्रंथ में भारत भूमि को माता का दर्जा दिया गया। प्रश्न आठ, प्राचीन काल में मर्दभांड संस्कृति कितने रूपों में अस्तित्व में थी। उसके बाद में प्रश्न नौ, जैन साहित्य को क्या कहा गया है। प्रश्न दस, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न है, जातक ग्रंथों की कुल संख्या मानी गई है, जातक ग्रंथों की संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या मानी गई, पुराण कितने थे। भारत का प्राचीनतम पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीनतम पुराण वह कौन सा है। पुराणों के कितने विषय हैं। उसके बाद में त्रिपिटकों के नाम लिखिए। उसके बाद में वेदों की संख्या कितनी। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप उत्तर लिखिए, मैं शाम को इनके उत्तर व आपको बताऊंगा। आगे इसके बाद में प्रश्न है, जो प्राचीनतम वेद माना गया, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ब्राह्मण ग्रंथों से क्या आशय, ब्राह्मण ग्रंथ व किसे कहते। संगम साहित्य से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में हाथी गुंफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। उसके बाद में यात्रियों का राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध विदेशी यात्री हैं। उसके बाद प्रश्न है, वेदांग साहित्य से क्या अभिप्राय है। उसके बाद में ऋग्वेद में प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं, नाम लिखिए। यज्ञों से संबंधित जानकारी किस वेद में मिलती है। ऋग्वेद में कितने मंडल व सूक्त हैं। इसके बाद में प्रश्न है, उसके बाद में देखते हैं, भारत का प्राचीनतम वेद कौन सा है। ये वापस रिपीट होगा, वेदांग साहित्य के कुल कितने अंग हैं, ये हो गया। पाली भाषा में रचित किन्हीं दो बौद्ध ग्रंथों के नाम लिखिए। आगे प्रश्न है, संस्कृत भाषा में रचित दो बौद्ध ग्रंथों के नाम लिखिए। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया। किन्हीं तीन प्रमुख जैन ग्रंथों के नाम लिखिए। चीनी यात्री फायान किनके शासनकाल में भारत आया था। आगे, यात्रियों का राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था, ये रिपीट हो गया है। अशोक के अभिलेखों की मूल लिपि क्या थी। आगे प्रश्न है, शैल चित्र के लिए विश्वविख्यात ऐतिहासिक स्थल कौन सा है। आगे प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से हुए। सिंधु सभ्यता में विशाल जलाशय एवं स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले। आगे प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली। आगे प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में खोपड़ी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए।
आगे किस सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध था? आगे मनके बनाने का कारखाना किस पुरातत्व में था? इसके बाद में राजस्थान में स्थित सिंधु सरस्वती सभ्यता के किन्हीं दो पुरातत्वों के नाम बताइए। इसके बाद में प्रश्न है, प्राचीन भारतीय महाकाव्यों के नाम लिखिए। इसके बाद में प्रश्न है, उत्खनन से अग्निकुंड अथवा अग्नि वेदिकाएं कहाँ कहाँ से मिली? और अंतिम प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में 17 अक्षर का सबसे लंबा व बड़े अक्षरों का अभिलेख कहाँ से? कहीं 17 अक्षर लिखे हुए हैं अपने बोर्ड बारे में, 17 अक्षर है, बाकी कहीं 26 अक्षर भी लिखे हुए आते हैं। तो ये प्रश्न है, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। मैं शाम के इनके उत्तर आपको बता दूंगा, आपको अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करना है। ये नवीन सिलेबस के अनुसार है, पुराने सिलेबस के अनुसार नहीं है, जो 40% कम करके जो पीछे जो सिलेबस रहा उससे संबंधित। थैंक यू, धन्यवाद।